आज होली का दहन है तो हमारे बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसे भुला कर कि आज के दिन तुम घर आ सकती हो। हम एक तरकीब सोचे, हम होलिका की आग के सामने बापू और बापू के साथ फेरे करवाएंगे और उसके बाद वो दोनों की फिर से शादी हो जाएगी। और अगर फिर से शादी हो गई तो वो दोनों को हमेशा के लिए साथ में रहना ही पड़ेगा, है ना? हम सही कह रहे हैं ना? मिश्री रुक जाओ। मिश्री मंगलम भगवान विष्णु मंगलम बेटा हो जाएगा बजरंग बली तो मापू और पापू की फिर से शादी हो जाएगी ना। हेलो, अब मैं दिखाती हूँ मोटी बा और अखिलेश को कि मेरा कैरेक्टर क्या है। ये मिश्री का कस्टडी पेपर है ना, तुम चाहते हो कि मैं इसके ऊपर साइन करूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे कंपेंसेशन चाहिए। जितने पैसे चाहिए इका दे दो, लेकिन इका कहो अभी कह भाई यहाँ से निकल जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम बनारस सिरामिक्स मेरे नाम कर दो। मिसेस पांडे, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, गिरफ्तार करो इन्हें। तुम्हारी मापू को पुलिस लेकर गई है। मोटी बा सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करना चाहती है। वही तो हम कह रहे हैं मापू कि खलाइका आंटी जबरदस्ती बड़ी माँ के अंगूठे के निशान ये कागज पर लिए। तुम्हारा सच सामने आ चुका है गुनीका। मोटी बा, क्या आप जानती है कंपनी अपने नाम कराने के लिए इसने धोखे से आपके अंगूठे का निशान ले लिया था पेपर पे। तुम्हारा सच सामने आ चुका है गुनीका। मोटी बा, क्या आप जानती हैं कंपनी अपने नाम कराने के लिए इसने धोखे से आपके अंगूठे का निशान ले लिया था पेपर पे। ये कितनी शेडी जगह है, तुम्हारी गैम्बलिंग के अड्डे और अच्छी जगह पे नहीं हो सकते। सर, मैं होटल सी ब्रीज से आई हूँ। आपकी शादी हो गई है? Yes, I am married. Okay, सर, आपकी वाइफ का नाम? मिसेस कुनिका वर्मा। आज तुम देखोगी कि कुनिका बदला कैसे लेती है। वैसे 10 बज रहे हैं ना अभी, अब से कुछ ही घंटों में तुम्हें मिश्री के बारे में बहुत बुरी खबर मिलेगी। बचा सकती हो तो बचा लो अपनी बेटी को। ये क्या कर रहे हो आप मिश्री के साथ? मिश्री को बाहर निकालो बॉक्स से। नहीं, आसानी से इसे बाहर निकालने के लिए इतनी मेहनत नहीं की है मैंने। नहीं, मैं पानी में मिश्री तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई। जल्द से जल्द मुझे कुनिका के साथ शादी करनी होगी। जिसकी कमी तुम्हें महसूस हो रही थी उसे पूरा करने जा रहा हूँ मैं आज ही कुनिका के साथ शादी करूंगा। कैसी लग रही हूँ मैं? हीरा की शादी का जोड़ा है। इस शादी के जोड़े को पहचानती हो ना तुम? वो क्या है ना कि मिश्री के कस्टडी केस को जीतने के लिए अखिलेश और मैं आज शादी करने वाले हैं। ये पेपर्स तो अभी तक कोर्ट में सबमिट ही नहीं हुए हैं अखिलेश, इसका मतलब कानून की नजरों में हमारा कोई डिवोर्स हुआ ही नहीं है। व्हाट? आज भी मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ और कुनिका के साथ तुमने ये जो कुछ भी किया है ना वो नाजायज है। ऐसे क्यों देख रहे हो तुम मुझे अखिलेश? सीरियसली, मैं ईरा से बिल्कुल थ्रेटन नहीं हूँ। तुम हो ना मेरे साथ और जब मेरे हस्बैंड मेरे पास है तो मुझे किस बात का डर? हमारी शादी नहीं हुई कुनिका।
सिर्फ 6 ही फेरे लिए हैं। ये सच के बारे में सिर्फ मैं और पंडित जी ही जानते हैं। मगर क्यों अखिलेश? क्योंकि याद है कुनिका, वो पंडित जी ने कहा था कि शादी के लिए मुहूर्त अच्छा नहीं है। हमारे बीच में भी ऐसी तकलीफ आए जो हीरा और मेरे बीच में आई थी। मैंने जल्दबाजी में इसलिए शादी की क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हीरा मिश्री का कस्टडी बैटल कोर्ट में कॉन्टेस्ट करे। कुनिका, I'm sorry, वो सही समय आते ही मैं शादी पूरी करूंगा। पर अखिलेश, काम डाउन कुनिका। इस वक्त चाहे जितना भी गुस्सा आ रहा हो, मुझे अखिलेश के सामने अंडरस्टैंडिंग बनकर ही उसके दिल में जगह बनानी होगी। It's okay, अखिलेश। कभी ना कभी तो हमारी शादी पूरी हो जाएगी ना। चुनो और अखिलेश, जो तुम मिश्री के लिए कर रहे हो ना, I really appreciate it. And I promise you कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। देखा जाए तो अच्छा है कि ईरा इस घर में आई है। कम से कम इसी बहाने मिश्री को पता तो चल जाएगा कि उसकी मॉम कितनी हानिकारक है। और बात, घर में किसी को पता ना चले कि हमारी शादी नहीं हुई है। कितनी खुश थी कि हमारी शादी फाइनली हो गई। मैं हार नहीं मानने वाली, क्योंकि इस छोटी शादी की बदौलत ही सही पर अखिलेश और मुझे करीब आने का मौका मिलेगा। ए! क्या भाई, यार डांस है ये? हाँ, बंद करो। मेरी पर्सनल लाइफ का डिसीजन लेने वाले तुम होते कौन हो? मैं तुम्हारा, हाँ बोलो ना, कौन मारता है? इसको यहाँ से बाहर। कहा था ना मैंने, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी प्यार है, यही तो देखना चाहती थी मैं। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? उंगुस फुंगुस चल रहा है। तू भी मेरे साथ बोल। अंगुस के पार पंगुस, अंगुस के पार पंगुस, पंगुस के पार मंगुस, पंगुस के पार मंगुस। पिंजरे का जीवन सजा है भारी, पिंजरे का जीवन सजा है भारी। खोल दो ये दरवाजा, सुन लो हमारी, खोल दो दरवाजा, सुन लो हमारी। माधव ठाकुर, आप यहाँ? अनुराधा, दरवाजा खोलो। ये दरवाजा तो जाम हो गया। अनुराधा, जानती हूँ ये सब कुछ कौन कर रहा है, पर चित्रा तेरा खेल खत्म। मम्मी पापा ना सुबह कुछ बात कर रहे थे, मम्मी ने पूछा अगर आप और मम्मी पापा एक नाव पे बैठे हो और नाव डूबने वाली हो तो पापा किसको बचाएंगे, और पापा ने मम्मी का नाम लिया। फिर पापा बोले कि मैं तुमसे ही तो ज्यादा प्यार करता हूँ। आने दो इसे, आने दो, नींबू निचोड़ देंगे। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके। लड्डू के भैया, ऐसा फूल हो रहा है, वो फील होता है, सही पकड़े हैं। हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा सिंदूर खतरे में है। उत्कर्षणी कला ग्रहण करने पश्चात श्री कृष्ण धारण करेंगे अष्ट लक्ष्मी कला। अब तुम सबके प्रतिशोध पूरा करने का समय आ गया है। आप हमें बस ये बताइए कि करना क्या है। उस चक्रधारी के मानव अवतार परम अवतार श्री कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध करना है। नयन तारा पुतली बनके तेरे सिंहासन में स्थापित हो गई। 32 पुतलियां केवल भद्रकाल के पास हैं। अगर वो उसकी मृत्यु के पश्चात यहाँ आई है तेरे पास
इसका अर्थ है भद्रकाल जीवित है। ये खेल जितना साधारण समझा था उतना है नहीं। कोई तो मार्ग। मार्ग बिल्कुल सरल है भद्रकाल। कैसा मार्ग? तुम्हारी मृत्यु। क्या?